40 साल की ममता तलाकशुदा है, जो 14 साल के बेटे शुभम और छोटी बहन के साथ मायके में ही रहती है। शुभम पास के ही सरकारी स्कूल में 8वीं का छात्र है और 28 साल की छोटी बहन नीरजा अविवाहित है। लंबे समय से दोनों घर से बाहर नहीं निकली। कभी कोई रिश्तेदार उन्हें कुछ पैसे दे जाते थे, जिससे किसी तरह जिंदगी कट रही थी। आठ साल पहले पिता ने साथ क्या छोड़ा, ममता और नीरजा की जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। आखिरकार डिप्रेशन के शिकार दोनों बहनों ने मां निर्मला गुप्ता के साथ 6 साल से खुद को घर में कैद कर लिया। अब जरा स्थिति की भयावहता देखिए। लंबे अरसे से आस पड़ोस के लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। दोनों बहनों के कमरे से बदबू आ रही थी और उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। अवसादग्रस्त दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताऊं, मिसेज थी यहाँ से, कभी आ जाए करती थी तो ऐसे बुलाती थी। कभी इनका मूड थोड़ा सा कैसे भी समझो वीक है, क्या है मतलब, तो इनका माइंड कुछ ऐसे ही था। इनको कुपोषण की शिकार हो चुकी दोनों बहनें और चिड़चिड़े स्वभाव की हो चुकी निर्मला ने कभी आस पड़ोस के लोगों से मदद नहीं मांगी। लेकिन कहते हैं कि जिसे ऊपर वाला जिंदा रखना चाहता हो, भला उसे कौन मार सकता है। शनिवार की सुबह ममता और नीरजा की जिंदगी में फरिश्ता बनकर उनका करीबी रिश्तेदार नीरज आया। ममता की गंभीर हालत देखकर उसने तुरंत ममता और नीरजा को अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। ममता की स्थिति गंभीर होने के चलते उसे आईसीयू में रखा गया है। जबकि नीरजा की हालत में थोड़ा सुधार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फिलहाल पानी की समस्या में व्यस्त हैं, जिसके चलते दोनों बहनों और उनके रिश्तेदारों की सहायता के लिए कोई घोषणा नहीं की जा सकी। लेकिन दिल्ली पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों ने मुहिम शुरू कर दिया है। अवसाद से ग्रस्त ममता और नीरजा के लिए नहीं, बल्कि इनके जैसी उन हजारों लोगों के लिए जो किसी कारण से जिंदगी की खूबसूरती से दूर शून्यता में खोए हुए हैं। प्रेम कुमार सागर, JNN न्यूज़।